मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। जब हम हरियाणा में प्रवेश करते हैं तो वहां लिखा होता है कि हरियाणा प्रारंभ, सड़कें समाप्त। तो आज ये समझो कि कवि सम्मेलन प्रारंभ और स्वागत समारोह समाप्त। तालियां इस बात पर होनी चाहिए। आप सबके हाथ में एक यंत्र होगा जिसे हम आधुनिक भाषा में मोबाइल कहते हैं। और वैसे मैं बता दूं कि इसे आप एक बार वाइब्रेशन पे कर लें, क्योंकि इस मोबाइल के कारण हमारी कितनी इंडस्ट्रियां खत्म हो गई। इस मोबाइल के कारण घड़ी खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कैलेंडर खत्म, डायरी खत्म, पेन खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कंपास खत्म, आदमी का सुखचैन खत्म। और अगर किसी के मोबाइल का पासवर्ड उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ लग जाए तो आशिकी खत्म। और रुबिया खान जी को अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का मिला। उसने कहा, पहचाना रुबिया जी, हम साथ पढ़ते थे। रुबिया जी बोली, पढ़ती तो मैं थी, तू तो मुर्गा बनता था। इतनी हाजिर जवाब है। तो महिलाओं से पंगा नहीं ले सकते। मैं तो बता रहा हूँ, एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया। ये विनोद जी बड़ी सास की बात कर रहे थे, मैं बताता हूँ सास कैसी होती है। एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया, तो उसने ये सोचकर जहाज को उल्टा सीधा ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एंगल पर घुमाया कि मेरी सास को मेरा हुनर दिख जाएगा। लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली, बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा। तो महिलाओं से कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। इनके पास एक आयुर्वेदिक फार्मूला होता है जिसकी सहायता से इन्हें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। एक तो कह रही थी, तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया, तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया, आधा घंटा अपनी सास से खूब लड़ी, तब जाके थोड़ा आराम आया। तो इसलिए कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। एक महिला तो अपने पति को जबरदस्त दशहरा दिखाने ले गई, और जब रावण को फूकने लगे, रावण को जलाने लगे, बोली, ध्यान से देख लो दूसरों की पत्नी पर बुरी नजर डालने का क्या परिणाम होता है। इसलिए अपने अंदर के रावण को मारो, अपने अंदर के रावण को मारो। पति भी फूका बैठा था, बोला, तुम भी तो अपने अंदर की केकई मंत्रा ताड़ का सुपड़खा को मारो, सारा काम हम ही करें, कुछ तुम भी तो करो। तो कुछ काम आप भी करें, तालियां बजाने का काम आप करें। मैंने मंजू जी से पूछा, एक मुहावरे का अर्थ बताओ। आम के आम, गुठली के दाम, वाक्य में प्रयोग करके दिखाओ। तो मंजू जी बोली, पति देव ने सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए जैसी हाथ घुमाया, मैंने फौरन उनके हाथ में कपड़ा थमाया। थोड़ी देर में ही साफ हो गई सारी दीवार, मेहमानों के लिए कमरा हो गया तैयार, काम वाली की जरूरत ही नहीं, फ्री में हो गया सारा काम। इसे ही कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। और बहुत अच्छा लग रहा है आपके कॉलेज में आकर के। और कॉलेज में जब हम आते हैं तो हमें अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। मैं जब कॉलेज में था तो एक बार एक लड़की ने मुझसे कहा, मेरे लिए प्रेम की चार पंक्तियां लिख दोगे। मैंने कहा, जी मैं हास्य का कवि हूं लेकिन कोशिश करता हूं, और आप यकीन मानिए वो मेरी अंतिम कोशिश थी। उसके बाद वो लड़की कॉलेज छोड़ गई। वो पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, तमन्ना कभी पूरी सारी ना होती, झुलाता तुझे रोज बाहों में अपनी, अगर काश इतनी तू भारी ना होती, अगर काश इतनी तू भारी ना होती। चार पंक्तियां इन सबको समर्पित करता हूं, जितनी बिटियाएं हमारी बैठी हैं, कि जरा सा कष्ट भी जिसका हमें झंझोड़ देता है, जरा सा कष्ट भी जिसका हमें झंझोड़ देता है, बड़े पत्थर दिलों को मोम सा जो मोड़ देता है, बिना बेटी लगे ऐसे के जैसे फूल बिन खुशबू, बिना बेटी के घर अक्सर चहकना छोड़ देता है, बिना बेटी के घर अक्सर चहकना छोड़ देता है। हमारी बेटियां यहां विराजमान हैं। कि जरा सा डांट दे बच्चों को जाने क्यों अखड़ता है, शिक्षा के मंदिर में बैठे हैं तब पढ़ता हूं चार पंक्तियां। कि जरा सा डांट दे बच्चों को जाने क्यों अखड़ता है, हमारे कल की चिंता में सदा दिन रात मरता है, और हमारे सबके भीतर ही भरे संस्कार है जिसने,
वो शिक्षक ही है जो राष्ट्र का निर्माण करता है, वो शिक्षक ही है जो राष्ट्र का निर्माण करता है। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं के काम वतन के आ न सके जो ऐसी जा का करना क्या, काम वतन के आ न सके जो ऐसी जा का करना क्या, सिर्फ स्वयं की खातिर जग में जीना क्या और मरना क्या, व्यर्थ गवाते हैं कुछ जीवन इस दुनिया में आकर के, इश्क वतन से हो जाए तो भला मौत से डरना क्या, इश्क वतन से हो जाए तो भला मौत से डरना। आपने मुनि नाम रखा, बहुत अच्छा किया, क्योंकि बाबाओं की रेपुटेशन कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं तो दिल्ली में आता हूँ, वहाँ बाबा बड़े बड़े पंडाल लगा के बैठते हैं। एक तो बहुत बड़ा पंडाल लगा रखा था, एक पहुंच गया वहां, बोला बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी चमत्कार हो गया। बाबा ने तुरंत माइक आगे किया, पूरी संगत को बताओ क्या चमत्कार हुआ है। बोला बाबा चमत्कार हो गया, 3 महीने पहले मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, आज आपके समागम में मिल गई। बाबा ने तुरंत माइक वापिस लिया। अच्छा अच्छा, सारे चोर यहीं आते हैं क्या? तो ऐसी स्थिति हमारे कई प्रकार के बाबा हैं दिल्ली में। एक वो कहते हैं जी डोसा खाओ, चटनी खाओ, कृपा आ जाएगी। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाओगे मैं निर्मल बाबा की बात कर रहा हूँ। एक निर्मल हमारे मंच पे भी विराजमान है, जिनके आग्रह पे हम यहाँ उपस्थित हुए। और वो बाबा, एक पहुंच गया उस बाबा के पास, बोला बाबा मेरी शादी नहीं हो रही। बाबा ने कहा बेटा जेब में किसकी फोटो रखते हो? बोला जी नरेंद्र मोदी की। बोला बेटा दिग्विजय की रखा करो, कृपानी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ बाबा हैं, लेकिन हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। मुझे तो याद आ गया कि दो दोस्त आपस में मिले बहुत दिनों बाद, कॉलेज के दो मित्र। एक ने पूछा कैसे कटे इतने साल, तो बोला मैंने कॉलेज से निकलते ही शादी कर ली। बोला ये बहुत अच्छा हुआ। बोला इतना अच्छा भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। बोला हो, फिर तो तुम्हारा जीवन नरक बन गया होगा। बोला नहीं, इतना नरक भी नहीं बना, क्योंकि मुझे दहेज में 10 लाख रुपए मिल गए थे। बोला अरे वाह, फिर तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो गई। बोला इतनी भी बल्ले बल्ले नहीं हुई, क्योंकि उस 10 लाख से मैंने एक दुकान ले ली, लेकिन दुकान पर ग्राहक ही नहीं चढ़ता था। बोला हो, फिर तो तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी। बोला इतनी परेशानी भी नहीं हुई, क्योंकि उस पैसे से मैंने एक मकान ले लिया। वो दुकान मैंने 10 लाख की 20 लाख में बेच दी, 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। अरे बोला फिर तो बहुत तुम्हारी बल्ले बल्ले हो गई। बोला नहीं, इतनी बल्ले बल्ले भी नहीं हुई, क्योंकि उस प्रॉफिट से मैंने एक मकान ले लिया, लेकिन मकान में आग लग गई। बोला हो, फिर तो तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य रहा। बोला इतना दुर्भाग्य भी नहीं रहा, क्योंकि पत्नी भी उसी में जल के मर गई। चार पंक्तियां और दीपाली के भाग्य में लिखी थी। जो भारी भरकम कवित्रियां होती हैं उन्हें दो बार बुलाना पड़ता है। मैं दोबारा यहाँ चार पंक्तियां खर्च करता हूँ दीपाली जी के लिए कि आजमाकर इश्क का दर देख ले, आजमाकर इश्क का दर देख ले, या जमाने का ही तू डर देख ले, इश्क शब्दों में बयां कैसे करूं, पास आ दूरी मिटाकर देख ले, पास आ दूरी मिटाकर देख ले। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। बाकी हमारे रसिक जी कह रहे थे अभी बड़ी बातें, बाहों में आके देख ले और पास आके देख ले और ब्रह्मचारी पने पे ध्यान मत दियो। तो आप सब समझ गए होंगे कि रसिक नाम इनका माता पिता के द्वारा दिया हुआ तो नहीं हो सकता। ये हरकत देख के मोहल्ले की औरतों ने ही रखा है। अगर आनंद आया हो तो तालियां उठाओ जरा। और अब ऐसे ही आनंद से सुनना, मन में आनंद रखना, चेहरे पे आनंद रखना और हाथ जरा खोलो, गर्माई आती है बदन में। अब सुनो, मेरे छोटे भाई ने बहुत बढ़िया वीर रस पढ़ा अभी यहाँ पर, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। और एक बात बताऊँ आप सबको, जो ये वीर रस का कवि होता है ना, ये अपने से बड़ी तोप किसी को नहीं समझता। ये कहता है चाहे किसी भी रस का कवि यहाँ आ जाए, भाई साहब ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने गौर से आप सुन रहे हो कोई नहीं सुन रहा, इतने गौर से सुन रहे हो आप ताली बजानी भी भूल जाते हो, अब की मत भूलना। तो मैं आपको बताऊं, जो वीर रस का कवि होता है ना, वो अपने से बड़ी तोप किसी को नहीं समझता। वो कहता है मंच पे जाके असली झाऊ तो मैं ही मचा रहा हूँ, पाकिस्तान और चाइना की बैंड तो मैं ही बजा रहा हूँ, ये अलग बात है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रात को 2:30 बजे जब घर जाता हूँ ना, तो फोन करके बीवी को गली के बाहर बुलाता हूँ, लेने आ जा गली में कुत्ते हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, आप सबने तालियां भी बहुत मन से बजाई, और जब किसी कवि को इतनी तालियां मिलती है ना तो बहुत खुशी होती है, सचमुच दिल से बहुत खुशी होती है केवल उस कवि को, बाकी सारे कवियों की छाती पे ना सांप लौट जाते हैं। मैं सही बता रही हूँ, भीतर ही भीतर इतनी जलन होती है ना, बताया नहीं जा सकता। अच्छा जलन से याद आई, आपको जलन की बात बताऊं, अभी मेरा विनोद बैठा है काड़िया, इसने फेसबुक पर एक फोटो डाली अपनी, अब उस दिन अच्छा लग रहा था, अब अच्छा लगा तो मैंने भी लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, मैंने कहा भाई बड़ी कतिक डांप लग रहा है यहाँ तो आज तो। अब इतनी देर में हमारे रसिक गुप्ता जी के मन में जलन का ज्वाला फूटा, इन्होंने कमेंट करा वहीं फेसबुक पर ही, कमेंट करके क्या कहते हैं, कहते हैं इसकी ना ये फोटोशॉप वाली फोटो है। मैंने कहा अच्छा जी समझ गई, अब इतने पे भी इन्हें शांति नहीं पड़ी, तुरंत इसके आधार कार्ड वाली फोटो लगाई, कहते हैं देखो असलियत में ये ऐसा दिखता है ऐसा। मैं क्या हाँ जी मैं समझ गई, अब इतने पे भी इनकी छाती के सांप नहीं उतरे, फौरन अपनी फोटो लगाई, कहते संचालन कौन कर रहा है कार्यक्रम का। मैंने कहा हाँ जी मैं समझ गई, अब मैं इनकी फोटो पे लाइक और कमेंट देने वाली थी कि हमारे मफतलाल जी ने अपनी फोटो डाल दी। कहते बेटा संचालन कोई भी कर रहा हो, लिफाफा तो मैं ही दूंगा तुम्हें। अच्छा मुझे फेसबुक से याद आया, हमारे निर्मल जी बैठे हैं यहाँ अभी, इन्होंने अपनी धर्मपत्नी का भाभी जी वो बैठी श्रीमती जी को एक बड़ा खूबसूरत नौलखा हार गिफ्ट किया, उसकी फोटो लगा दी फेसबुक पर। अच्छा मुझे क्या लगता है, फेसबुक पर इस तरह की चीजों की फोटो लगाने का ना केवल एक मकसद होता है, और वो होता है दूसरे घर में आग लगाना। और ये अपने मकसद में सफल भी हुए, मेरे घर में राड़ हो गई, मैं जैन साहब के पीछे पड़ गई, मैं मुझे कुछ नहीं पता निर्मल जी ने अपनी बीवी को हार दिया है मुझे भी चाहिए। और जैन साहब थे हमारे ठेठ बढ़िया बुद्धि, कहते देख मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, मांग के देख ले तुझे भी देने तो। अच्छा जैन साहब से याद आया, एक दिन मैं उनसे कहने लगी, मैंने कहा तुम कभी मुझसे अपने मन की बात नहीं करते, बस दुकान पे जाओ और काम धंधा। तो उन्होंने अपने मन की बात करी, मैं बताती हूँ क्या कहा उन्होंने मुझसे, सुनो। जैन साहब बोले सुन मेरी प्राण प्यारी, मेरा बस जो चला तो तुझे चांद पे ले जाऊंगा, बादलों के रथ पे सवार होके जाने जाना, सात आसमानों की मैं सैर कराऊंगा, परियों के जैसी पोशाक दिलवाऊंगा मैं, लहंगे में लाख सितारे जड़वाऊंगा, सोच रहा हूं कि चार कंधों का जुगाड़ कर लूं, अकेला मैं कैसे तेरे बोझ को उठाऊंगा। ये थे हमारे जैन साहब, और मैं सही बता रही हूँ भाभी जी वो दिन और आज का दिन ना दोबारा मन की बात नहीं करने दी इन्हें। अच्छा मुझे बोझ से याद आया, मैं तुम सबको बताऊँ, हम जो सेहतमंद लोग होते हैं ना हमसे मिठाइयाँ भी बातें करती हैं। सही बता रही हूँ, अभी कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला, अब मेरे हाथ में गुलाब जामुन है, मैं गुलाब जामुन को देख रही हूँ, गुलाब जामुन मुझे देख रहा है, मेरे मन में ख्याल आया कितना प्यारा है, सांवले रंग का, गोल मटोल, मोटा ताज़ा, और मजे की बात देखो ठीक उसी समय गुलाब जामुन भी मेरे बारे में यही सोच रहा है। अच्छा मैं सच बताऊं आपको, रोज सुबह बाबा रामदेव जो हैं इंडिया टीवी पर योगा करवाते हैं, एक दिन एक कार्यक्रम में मेरी मुलाकात हो गई, क्या दीपाली ये क्या हाल बना रखा है, मैं कहा क्या हो गया बाबा जी, कहते कुछ योगा वोगा किया करो, मैं बाबा जी योगा मुझसे तो कतई ना होगा। तो बाबा जी बोले क्यों भाई क्या दिक्कत है तुम्हें, मैंने कहा जी योग में क्या धरा है, तो बाबा जी ने देखो योग का क्या बताया है, कहते हैं कि मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, कि मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है, और मुझसे पटी न एक अंजलि भी उम्र भर, इसीलिए तो पतंजलि फर्म बनाई है। क्या विज्ञापन किया पतंजलि का आपने। भाई जहां से कमाई आ रही है आण दो, उसी का च्यवनप्राश खा खा के ऐसे हो गई हो आप। आपकी लंका क्यों लगी हुई है, ये देखो इन्हें मेरी सेहत से बड़ी दिक्कत है, अब मैं आपको बता दूं कि तुम सूखे हुए छुआरे हो,
और मैं किशमिश अफगानी सुन लो कि तुम सूखे हुए छुआरे हो, मैं किशमिश अफगानी सुन लो, और तुम बिस्लेरी की बोतल हो, मैं मटके का पानी सुन लो। आप क्या समझ रहे हैं? अच्छा, अभी हम पीछे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, रूबिया मेरे बराबर में आकर बैठी, कहते दीदी मैं बड़ी परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? कहते एक लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैंने कहा बस इतनी सी बात, वही कर जो मैंने किया था। कहते क्या? मैंने कहा अरे एक लड़का मेरे पीछे भी हाथ धो के पड़ा हुआ था। कहते फिर क्या, मैंने मुंह धो के दिखा दिया। भाई ये नारी जो है ना, हर क्षेत्र में आगे है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। कि नूर हूर का देखा मन की बिखर फिकर कर कली गई। एक ही क्षेत्र बचा था जिसमें महिलाएं आगे नहीं थी, उस क्षेत्र में भी आगे हो गई अब। कि नूर हूर का देखा मन की बिखर बिखर कर कली गई, एक मिनट के भीतर भीतर किस्मत अपनी छली गई। इससे पहले सोचू समझू टकरा कर छू मंतर वो, हाथ लगा पॉकेट पर देखा फोन चुरा कर चली गई। बहुत बातें बना रहे हैं। अच्छा, आपने हूर की बात करी दिया, तो चार लाइनें मेरी तरफ से भी लो। अच्छा, कि मैं तो हूँ कोई अप्सरा परी या हूर सी। आहा, आहा, अप्सरा हूर। क्या जा रहा है? हंसे नहीं आप। मैं कह रहा हूँ कहने में क्या जा रहा है? अच्छा, कि मैं तो हूँ कोई अप्सरा परी या हूर सी, रोजे के रोज होती है जैसे खजूर सी, पर तुम बहुत हसीन हो क्या जीरो फिगर है। तुम भी बहुत हसीन हो क्या जीरो फिगर है, लचके कमर तुम्हारी करीना कपूर सी। देखो मैं बताऊं, ये जो खुश हो रहे हो ना लड़को, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें छात्रों कि जिंदगी तनहा तुम्हारी कटने वाली है, जिंदगी तनहा तुम्हारी कटने वाली है, आगे बढ़ के पीछे ये तो हटने वाली है। कितनों को अपनी कविता से पागल बना दिया, और तुम समझ रहे हो दीपाली फटने वाली है। अरे कितनों को पागल, आज मैं आपको एक सामने आपके एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दे का खुलासा करने जा रही हूँ। आज मैं आपके सामने ये बताने जा रही हूँ कि हमारे देश का मोस्ट एलिजिबल बैचलर सलमान खान आज तक कुंवारा क्यों है, उसने शादी क्यों नहीं की। सुनाओ, बताओ। कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है आप सबके बीच, आप दुनिया के वो पहले लोग हैं जिन्हें ये राज पता चलने वाला है, सुनिए। जी सुनाइए। मेरे ही इंतजार में सल्लू है कुंवारा। सच कह रही हूँ कि मेरे ही इंतजार में सल्लू है कुंवारा, आमिर करना चाह रहा है शादी तिवारा, आमिर करना चाह रहा है शादी तिवारा, जब साफ कह दिया किसी की हो चुकी हूँ मैं, जब साफ कह दिया किसी की हो चुकी हूँ मैं, कैटरीना का दूल्हा बना तब विक्की बेचारा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे तालियां उठाओ जरा, आनंद आ रहा है। तो आपकी जो तालियां होती है ना, ये बूस्टर डोज का काम करती है हमारे लिए, तो जरा तालियां लहराते रहिए अपनी। और बात करते हैं वापस से इस मंच की। मैं आपको सही बताती हूँ, मेरे पास फोन आया निर्मल जी का, कहते दीपाली जी 8 तारीख का कार्यक्रम है कासगंज में। मैंने कहा ठीक है जी। कहते अपनी फोटो भेज दो। मैंने फोटो भेज दी। अब इनका फोन आता है मेरे पास 6 तारीख को कि दीपाली जी कार्यक्रम 8 तारीख का नहीं है, कार्यक्रम शिफ्ट होकर 12 तारीख का हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते अरे नहीं, वो आपकी फोटो भेजी थी, मंच वाला कह रहा है ये आ रही है, तो मंच जरा मजबूत बनाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इनका 11 तारीख को फिर फोन आ गया, कहते कार्यक्रम 12 तारीख को भी नहीं है, कार्यक्रम 16 तारीख को है। मैंने कहा अब क्या हो गया? कहते विनोद पाल की फोटो भी तो भेजी थी। अच्छा ये मंच की बातें होती हैं। अब मैं आपके सामने एक और खुलासा करने जा रही हूँ। अब एक खुलासा और है, सुनिएगा। स्वागत। मेरे लिए ही दोस्त तो राहुल है कंवारा। अब बैचलर्स की कमी नहीं है हमारे यहाँ, केवल फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ी ना है, राजनीति में भी भरे पड़े हैं। कि मेरे लिए ही दोस्त तो राहुल है कंवारा, सड़कों पे मारा फिर रहा है देखो बेचारा, मेरे लिए ही
दोस्त तो राहुल है कवारा, सड़कों पे मारा फिर रहा है देखो बेचारा। मेरे लिए ही योगी जी दिल्ली में आ बसे, मेरे लिए ही योगी जी दिल्ली में आ बसे। मोदी जी कह रहे हैं दीपू मैं हूँ तुम्हारा। वो कह रहे सांस एक्सपायर हो गई तुम्हारी। तो ये कुछ बातें होती हैं जो हम मंच से करते हैं, आप सबको थोड़ी गुदगुदाहट होती है। और आप सबसे बात करना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, हमारा जो विनोद है इसकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो विनोद ने अपनी धर्मपत्नी से कहा भाई शादी की सालगिरह है कोई गिफ्ट मांग ले। तो बोली ऐसा करो पहले तुम ही मांग के निपट लो। तो विनोद ने क्या गिफ्ट मांगा है, कहते काम ये सजनी प्यारा कर मुझसे झगड़े में हारा कर, काम ये सजनी प्यारा कर मुझसे झगड़े में हारा कर, और घर के भीतर कुछ भी कह ले बाहर जाके मत मारा कर। अब फिर बात ये आई बीवी की, वो कह रहा है अब तू मांग, कहती कवि की बीवी हूँ कविता मैं मांगूंगी। अब वो क्या मांग रही है, सोना चांदी मांगू ना हीरों का हार मांगू, सच कह रही हूँ सैया ना कोई कार मांगू, हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू, हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू, किस्मत बना दे मेरी दुनिया सजा दे मेरी, किस्मत बना दे मेरी दुनिया सजा दे मेरी, कर दे प्रॉपर्टी मेरे नाम। अगर आपको भी लगता है यही मांगना चाहिए तो जरा दिखाइए कि हाँ यही मांगेंगी हम भी, अब की बार से एनिवर्सरी पर प्रॉपर्टी से ऊपर कुछ नहीं पड़ा। और इसी तरीके से इस सिलसिले को और आगे बढ़ाया जा सकता है, आपकी तालियां मिले तो। बात करूंगी बच्चों की, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं और आजकल एक बड़ी प्रथा चल गई है, एक तलाक होता था एक तरीका का जो कागजात पर होता था, और आजकल एक तलाक की प्रथा चल गई है जो कि फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर होती है, वो होती है ब्लॉक। आप किसी को ब्लॉक करो काम खत्म नक्की। तो चार पंक्तियां ब्लॉक किए हुए व्यक्ति के दिल से क्या निकलता है वो आपके बीच रखती हूँ। किया है ब्लॉक क्यों बोलो, जताना चाहते हो क्या, किया है ब्लॉक क्यों बोलो जताना चाहते हो क्या, बना कर दूरियां मुझसे दिखाना चाहते हो क्या, बना कर दूरियां मुझसे दिखाना चाहते हो क्या, मुझे मालूम है मुझसे तुम्हें अब भी मोहब्बत है, नए माशूक से अपने छुपाना चाहते हो क्या, नए माशूक से अपने छुपाना चाहते हो क्या। तो ये बात हुई फेसबुक की, व्हाट्सएप की, और फेसबुक से जुड़ी चार पंक्तियां और देती हूँ आपको। एक चलता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जी, उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा दिनों तक जब मुलाकातें नहीं होती, कि बहुत ज्यादा दिनों तक जब मुलाकातें नहीं होती, तुम्हारी फेसबुक पर जाके थोड़ा घूम लेती हूँ, बहुत ज्यादा दिनों तक जब मुलाकातें नहीं होती तुम्हारी फेसबुक पर जाके थोड़ा घूम लेती हूँ, और बिछड़ते वक्त तुमने हाथ जब मुझसे मिलाया था मैं अक्सर याद कर वो पल, हथेली चूम लेती हूँ, मैं अक्सर याद कर वो पल हथेली चूम। क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ, मंजू साकिया जी दिल्ली से हमारे बीच है, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। और जब हम प्रवेश कर रहे थे तो मंजू जी ने मफतलाल जी से पूछा और क्या हालचाल है, मफतलाल जी जब बोले जब पूछने की उम्र थी तब तो पूछा नहीं, अब क्या फायदा। तो बहुत हाजिर जवाब है, मैंने तो मंजू जी से कहा मंजू जी मार्केट में नया आईफोन आया आपने लिया, बोले नहीं उतने पैसे में इलेक्ट्रिक स्कूटी ले ली जिससे बात करनी होती उसके घर चली जाती हूँ, सस्ता भी पड़ता है चाय नाश्ता भी हो जाता है। ऐसी इंटेलिजेंट होनी ही चाहिए कवित्री को। मैं चार पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि
प्यार में पहले यूं लगता है पहुंच गए मैखाने में, प्यार में पहले यूं लगता है पहुंच गए मैखाने में, धीरे धीरे फिर समझोगे आ गए हो तहखाने में। दूर रहो इन बलखाती सी नागिन काली जुल्फों से, पागल करके पहुंचा देगी तुमको पागल खाने में, पागल करके पहुंचा देगी। दोनों हाथ उठाएं, जोरदार तालियां मंजूषा के, बाबों की रानी के नाम से जिन्हें पूरे देश में ख्याति प्राप्त है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, इतनी देर इन कवियों को झेलने के लिए आप सभी को प्रणाम करती हूँ। विनोद पाल ने 150 किलो की लड़की उठाने के चक्कर में यहाँ से 150 हमारे श्रोता उठा दिए। मैं दीपाली जी कह रही राहुल हमारे लिए कुंवारे, मोदी कुंवारे, पता नहीं किसको किसको बता रही, सल्लू कुमारा, खुद ब्याही घूम रही है, दो बच्चों की माँ है। रसिक जी कह रहे हैं मैं खाना हूँ, मैं बताती हूँ ये है क्या कि मैं खाने में तुम रहते हो या तुम खुद मैं खाना हो, लगो रोमियो के तुम बापू, गुजरा हुआ जमाना हो, और खुद ही आकर फंस जाते हो काली नागिन जुल्फों में, तुम तो खुद ही चलता फिरता कोई पागल खाना हो, तुम तो खुद ही चलता फिरता कोई पागल। देखो मैं इसका जवाब दे दूं अगर आप इजाजत दें तो, राजा साहब कि जवां खुद को समझती है बनी दादी बनी नानी, जवां खुद को समझती है बनी दादी बनी नानी, फंसे जो प्यार में इनके कभी मांगोगे ना पानी, और धुला जो देख लो चेहरा हकीकत सामने होगी, लगाकर क्रीम पाउडर ये बनी है रूप की रानी, लगाकर क्रीम पाउडर ये बनी है रूप की रानी। कैमरे वाले भैया जरा ढंग से फोटो लेना और उसको जूम करके देखना किसने क्रीम पाउडर ज्यादा लगाया है। हमने तो बस लिपस्टिक लगाई, लिपस्टिक में काम चल जाता है, इनको तो क्रीम पाउडर पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ता है। और आपने देखा होगा शाम को जो गली के नुक्कड़ पे कुछ लोग खड़े होते हैं ना, ये उसी कैटेगरी के हैं। मैं चार पंक्तियों में इन्हें बताती हूँ कि ये है क्या, कि खड़े रहते ये नुक्कड़ पे एक गलियों के सिकंदर हैं, खड़े रहते ये नुक्कड़ पे एक गलियों के सिकंदर हैं, मोहब्बत के हंसी सपने संजोए मन के अंदर हैं, और समझते खुद को ये सलमान, इनको देखिए, समझते खुद को ये सलमान, पाले हैं गलत फहमी कि धोखे खुद का मुंह देखे शक्ल सूरत से बंदर है। अच्छा तो मैं भी चार पंक्तियां पढ़ देता हूं कि जिसे तुम जान से ज्यादा करते थे प्यार पे भरोसा करने की जरूरत नहीं, इनकी बातों पे चक्कर में मत आना राजा साहब, सुनिएगा। जिसे तुम जान से ज्यादा करते थे प्यार, वो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से लाखों की शॉपिंग करके हो गई फरार। अरे धोखा खाने वालों संभलो, अपने प्यार को ना यूं पहली नजर में पास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले इस्तेमाल और फिर विश्वास, बस तभी अच्छा लगता है जब अमिताभ बच्चन कहते हैं और वो घड़ी सर्प घर में आता है। आपके कहने से अच्छा नहीं लगता, क्यों? इनकी शक्ल देखिए कितने भोले और मासूम लगते हैं, है भी, लेकिन अंदर क्या है ये तो सिर्फ इनकी पत्नी जानती है। हाँ। और क्या उन्होंने मुझे बताई इनकी हकीकत, क्या बोली कि भोले ये लगते हैं लेकिन नीयत इनकी काली है, भोले ये लगते हैं लेकिन नीयत इनकी काली है, इनकी अक्ल ठिकाने पर लाती इनकी घरवाली है, और रोज करें डाई बालों पर खुद को जवा समझते हैं, और मैं बाहर का मौसम हूँ ये पतझड़ वाली डाली है, मैं काव्य पाठ शुरू करना चाहती हूँ। जी जी जी, आप लोग ये बहुत लंबी श्रृंखला चल सकती है लेकिन समय बहुत कम है, सीमित समय है, तो मैं बहुत देर से सुन रहे हैं जी, और मोहन ने बहुत अच्छे श्रृंगारिक मुक्त कहे माँ को याद किया, और मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारी इस वार्तालाप में इसमें हमारी चाय जो है ना वो निकल जाए, इसलिए आप सीधे कविता पाठ करो। भैया क्या दुश्मनी थी मेरे से, थोड़ी देर बाद चाय ले आते, हम तो मना भी नहीं कर सकते, पता नहीं कब कौन मोदी बन जाए चाय लाके।
सुनिएगा जी, मैं चार पंक्तियां, बहुत देर से मफतलाल जी का जिक्र हुआ, मुफ्त में बुलाते हैं, मुफ्त में बुलाते हैं, ये तो उनकी बहादुरी है कि मुफ्त में बुला लेते हैं, तुम अपने आप को देखो मुफ्त में चले क्यों आते हो। एक बार तालियां बजाइए मफतलाल जी के लिए। मैं चार पंक्तियां देती हूं कि विनोद पाल ने इतनी सारी बातें कि मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूँ, ये आया हूँ, वो आया हूँ। लड़कियों के मन में कितनी ख्वाहिश होती है, मेरे मन में भी ख्वाहिश थी कि मुझे भी कोई पति मिले सलमान खान जैसा, लेकिन होता क्या है, मैं चार पंक्तियों में बताती हूँ। स्वागत कि मेरी पंक्तियां सुनना और विनोद पाल को देखना, सिर्फ विनोद पाल को ही देखना कि लटकता पेट कद्दू सा, ये कह रहे थे ना, सास गिर गई, वो गिर गई, ये गिर गई, कुछ नहीं होता, और घर से पैर छू के क्यों आना पड़ता है, मैं बताती हूँ। अगर ये पैर ना छूए तो शाम को घर पे भी घुसने ना दिया जाए। मैं कहती हूँ कि लटकता पेट कद्दू सा तो फूले गाल मिलते हैं, और बरस भर बाद ही सर से उड़े सब बाल मिलते हैं। लड़कियाँ लड़कियाँ ख्वाब में बेशक रखें सलमान शाहरुख पर, हकीकत में तो सबको सिर्फ जेठालाल मिलते हैं। भाई भाई इतने खुश मत हो, ये लड़के भी वैसे सोचते हैं कि हमको भी करीना कटरीना दीपिका पता नहीं किसके किसके सपने संजोते हैं मिल जाए, लेकिन मिलता कौन है, मैं बताती हूँ कि इश्क के फेर में पढ़कर तो बर्बादी ही मिलती है। इश्क के फेर में पढ़कर तो बर्बादी ही मिलती है, सफाया जेब होती खर्च की चाबी ही मिलती है। और ये लड़के ख्वाब में कितने ही रख लें दीपिका सपना, हकीकत में तो इनको बस दया भाभी ही मिलती है, हकीकत में तो इनको बस। और दीपाली जी कह रही थी कि मेरे जैन साहब बड़े कंजूस एक नंबर के, इनकी लड़ाई होगी एक बार जैन साहब से, इन्होंने गुस्से में बोला कि साथ तुम्हारे शादी कर खुशियों में पड़ी खटाई है, हाजिर जवाब तो है ही, आप सुनी चुके हो इनको, कि साथ तुम्हारे शादी कर खुशियों में पड़ी खटाई है, दिया मुझे क्या तूने मुझको बलमा तू हर जाई है। और इनकी बातें सुन के जैन साहब ने जवाब दिया, आप लोगों तक पहुंचे तो आनंद लीजिएगा, कि साथ तुम्हारे शादी कर खुशियों में पड़ी खटाई है, दिया मुझे अब तक क्या तूने बलमा तू हर जाई है। और सुनकर इनकी बातें वो भी मुस्का कर बोले इनसे, ये दोनों बच्चे क्या तुम मैं कैसे लेकर आई है। मैं एक हास्य का गीत आप तक रखना चाहती हूँ, समय की अपनी सीमाएं। स्वागत, स्वागत, और उस गीत की भूमिका में चार पंक्तियां कहती हूँ कि मेरा वाला, मतलब आप सबका भी हो सकता है, शुरू शुरू में कितने प्यार से हमको पता नहीं किस किस नामों से बुलाता है, लेकिन जब हम ऐसे हो जाते हैं तो क्या क्या कहते हैं जी, कि कभी कहता था बुलबुल अब मुझे टुनटुन बुलाता है, कभी कभी कहता था बुलबुल अब मुझे टुनटुन बुलाता है, मगाऊं फूल कोई तो वो गोभी लेके आता है, और मेरी मेरी नाजुक कमरिया भी उसे लगती है कमरे सी, मुआ बलमा पड़ोसन पर बड़ा कुर्बान जाता है, मुआ बलमा। वाह वाह वाह। हाँ लीजिए, मैं मोहन मुंजिर जी को बुलाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ बहुत, कि एक लड़की भागती हुई आई, एक लड़की कुत्ते से डरकर, आजकल कुत्ता संस्कृति हो गई घरों में, देखा होगा आपने खूब, माँ बाप को तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते, कुत्तों को घर में पाल रहे। तब मैंने कहा कि एक लड़की कुत्ते से डरकर भागती हुई आई, मुझसे चिपट गई, मैं भी उसकी बाहों में समा गया, पीछे पीछे दौड़ता हुआ कुत्ता भी आ गया। तो विनोद जी ने पूछा कि अब आप क्या करोगे, मैंने कहा मैं तो खुशी से फूला नहीं समाऊंगा, और अगर वो कुत्ता थोड़ी देर और यूं ही भोंकता रहा तो फ्रिज में रखा हुआ सारा पनीर उस कुत्ते को ही खिलाऊंगा, तो फ्रिज में रखा हुआ सारा पनीर उस कुत्ते को ही खिलाऊंगा। देखो कवियों का काम ऐसी लंबी लंबी छोड़ने का होता है, एक कवि को बहुत लंबी छोड़ने की आदत थी,
तो कवियों का काम ऐसी लंबी लंबी छोड़ने का है। एक कवि को बहुत लंबी छोड़ने की आदत थी, मैंने कहा भैया तू बहुत लंबी छोड़ता है, थोड़ी कम छोड़ा कर। बोला रसिक भाई मुझे पता ही नहीं चलता मैंने कितनी लंबी छोड़ दी। अरे मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, जब ज्यादा हो जाएगा तो मैं थोड़ा खांस दूंगा, कम कर लेना। बोला जी ठीक है। मैं उसे एक प्रोग्राम में ले गया, उसने जाति छोड़नी शुरू की। बोला भाई साहब आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने 100 फुट लंबा सांप देखा, मैं तुरंत खांसा। बोला जब नजदीक गया तो मैंने देखा वो 80 फुट लंबा है, मैं फिर थोड़ा खांसा। बोला मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ, फिर मैं एक फीता लेके आया और मैंने फीते से नापा तो वो 60 फुट लंबा सांप निकला, मैं फिर थोड़ा खांसा। बोला भाई साहब किसी के खांसी हो किसी के दमा हो अपना इलाज कराओ, अब तो फीते से नप चुका, अब बिल्कुल नहीं घटेगा। तो ये विनोद पाल है जो आधा घंटे से पहले बिल्कुल नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं घटेंगे। तो इन्होंने बहुत आपको हंसाया गुदगुदाया, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे बीच मोहन मुंतजिर जी हैं, हास्य के और श्रृंगार के, और मैं कहूँ कि किसी भी विधा में आप इनसे सुन सकते हैं, बहुत शानदार आपको सुनाएंगे और इन्हें सुनिएगा आप। मैं केवल 4 पंक्तियाँ खर्च करता हूँ कि हृदय की राजधानी की प्रिय सरकार बन जाओ, हृदय की राजधानी की प्रिय सरकार बन जाओ, मेरे भावों की नदिया की तुम ही पतवार बन जाओ, जरा नजदीक तो आओ समूचे तोड़ कर बंधन, मेरे दिल की कहानी का प्रमुख किरदार बन जाओ, मेरे दिल की कहानी का प्रमुख किरदार बन जाओ। तो आज के हमारे जो प्रमुख कवि हैं, जो प्रमुख किरदार हैं, जिनके लिए पूरा मंच हमने सजाया, वो होते हैं मोहन मुंतजिर जी, युवा दिलों की धड़कन। एक बार दोनों हाथ उठाएं, तालियों में तब्दील करें, मोहन मुंतजिर। मेरे माइक पर आते ही आप सब लोग ऐसे खामोश हो गए जैसे कि कोरोना की चौथी लहर मेरी वजह से आई है। और आप लोगों ने जो मेरे स्वागत में इतनी घनघोर तालियां बजाई, मेरे सातों पीढ़ी जो है आपकी रेडी रहेंगे साथ, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं रसिक गुप्ता जी यहाँ से निवेदन करता हूँ, कविता शुरू करता हूँ। काशगढ़ में चूंकि कविता सुनी जाती है इसलिए कविता सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ। रसिक गुप्ता जी के साथ मैं गृह मंत्रालय के कवि सम्मेलन में गया था, तो रसिक गुप्ता और जो 2 दिन कवि थे वो आगे चले गए, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा था। तो जैसे मैंने देखा कि अमित शाह जी एक बैठक कर रहे थे, तो मैंने कान लगा लिया। तो अमित शाह जी ने बैठक में एक बात की, आपको बताना चाहता हूँ। अमित शाह जी ने कहा देखो ऐसा कि 370 तो मैंने हटवा दी और अब वो और अब मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन देश का आंतरिक मामला अब तक ही रखिएगा, आप तक पहुंचाता हूं। 4 पंक्ति लगे अच्छी तो फिर एक भी हाथ खामोश ना रहे तो यहां से कविता प्रारंभ करूंगा, सुनेगा। अरे अब गलियों में और न दंगा देखोगे देखोगे, अरे देखोगे अब गलियों में और न दंगा देखोगे, ना आवारा कोई पतंगा देखोगे, अब गलियों में और न दंगा देखोगे, ना आवारा कोई पतंगा देखोगे। गृह मंत्रालय से लाया हूँ एक खबर, गृह मंत्रालय से खबर, अरे पाकिस्तान में जल्द तिरंगा देखोगे, पाकिस्तान में जल्द तिरंगा। क्या सुनते हैं साहब आप, क्या कितने अच्छे श्रोता आप, है ना। अब यकीन मानेगा कि देखिए मोदी जी की तो हम बात ही क्या कहें, मोदी जी की जो बात जो उन्होंने काम किए है ना, 370 हटवा दी, नोट बदलवा दिए। अच्छा मोदी जी की खासियत ही साहब, जैसे आदरणीय राजा साहब बैठे हुए हैं और उनके बगल में बैठे हुए साहब, तो मोदी जी अक्सर क्या कहते हैं कि जब भी उनका कोई शपथ ग्रहण समारोह होता है ना, तो सामने जैसे बैठे हुए राजा साहब ऐसे ही मुरली मनोहर जोशी जी को और लाल कृष्ण आडवाणी जी को बैठा देते हैं और यहाँ से भाषण देते हैं। जैसे भाई साहब बैठे हुए हैं, बोले आज मैं जो कुछ भी हूं जहां भी हूं इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों आज जहां भी हैं जिस वजह से,
कमाल के उनका तो मतलब उनका तो जवाब ही नहीं है ना, उनका कोई जवाब नहीं। यहाँ से चार पंक्तियों निबंध ये करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने असल में एक बात आपको बता दूँ, एक कविता सुनाने से पहले, कि मेरा किसी भी पार्टी से कोई भी नैतिक या अनैतिक संबंध नहीं है। मैं ना भाजपा का आदमी हूँ, मैं ना बसपा का आदमी हूँ, मैं ना सपा का आदमी हूँ, है ना, मैं ना कांग्रेस का आदमी हूँ। मेरी जो शादी भी नहीं हुई है, मैं तो किसी औरत का भी आदमी हूँ। लेकिन निष्पक्ष आपको सुनाना चाहता हूँ, ये जो मोदी जी की चर्चा हुई, तो राहुल जी ने एक 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 पैदल यात्रा निकाली, तो उन्होंने अपनी मम्मी से कहा, एक प्रश्न किया, वो प्रश्न मैं आप तक पहुंचाता हूं, आपको अच्छा लगेगा, सुनेंगे। स्वागत 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 स्वागत। अरे मम्मा सुनो, बहना सुनो, मोदी में ऐसा भी क्या है। अरे मम्मा सुनो, बहना सुनो, मोदी में ऐसा भी क्या है कि जनता उसी को ही सर पर बिठाए, कि जनता उसे ही जिताए। अब उनकी मम्मा कहती कि इसका जवाब मैं आपको मैं क्या बताऊं, है ना। बोले कि अब अपनी मम्मा से कहा कि ऐसा कि काम तो मैंने ही बहुत सारे किए, मैंने भी तो बहुत सारे काम किए जनता के लिए। तो सोनिया जी ने कहा कौन से, तो उन्होंने काम गिनाए साहब। देखिए काम किए हैं तो उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, है ना, एक निष्पक्ष होकर सुनना चाहिए। देखिए राहुल जी अपने काम गिना रहे, सुनिएगा। अरे मैंने तो आलू से सोना बना, देख जो काम किए हैं वो तो आपको गिनाने पड़े नहीं। मैंने तो आलू से सोना बनाया, मैंने तो आलू से सोना बनाया, पहनी जनेऊ और गंगा नहाया, पहनी जनेऊ और गंगा नहाया, टोपी भी पहनी बिरयानी खिलाई, टोपी भी पहनी बिरयानी खिलाई, सर्जिकल पर भी तो उंगली उठाई, फिर भी देखो जनता बोली नरेंद्र 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 नरेंद्र। मम्मा सुनो, बहना सुनो। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत अच्छी आप कविता भी सुन रहे हैं। ये मंच उस जगह तक जा चुका था जहाँ तक इस सम्मान में थोड़ा सा मेरे लिए इसलिए भी आवश्यक था, मैं सिर्फ आपके लिए भूमिका बनाने आया था कि आपको रसिक गुप्ता जी को सुनना है ना। एक आपको एक बहुत ही अच्छा आपको मैं गीत यहाँ सुनाऊंगा, वो गीत आइए बैठिए सुन लीजिएगा, वो गीत जो मेरा वायरल गीत भी है, जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया भी गया, जिसके लिए मुझे मेरा लिफाफा भी तय है जो विनोद पाल की वजह से खाली हो गया है ना। नहीं पता था मुझे इसका कितना पेमेंट है, लेकिन ये जो कॉलेज का प्रांगण सर है ना यहाँ पर, ये आप सब लोग अध्यापक लोग भी हैं, ये चार पंक्तियाँ युवाओं तुम लोग बैठे हो, ठीक है। अभी ये विनोद पाल पता नहीं क्या करता है मेरी नेहा से, और ये वो कुछ मरने मारने की बात कर रहा था। चार पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ, है ना, अगर इन चार पंक्तियों में इस कॉलेज के संस्कार झलक जाएँ, इस कॉलेज के संस्कार झलक जाएँ, तो फिर आपकी तालियाँ खामोश ना हो। यहाँ से मैं आपको वो दे रहा हूँ कि हो सकता है कोई मैसेज भी जाए, सुनेगा। जी स्वागत 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 स्वागत। क्या है इस कॉलेज में आए साहब, किसके लिए आए, पढ़ने के लिए आए हैं। संस्कार इन चार पंक्तियों में इस कॉलेज की बोलेंगे, है ना, यहाँ के अध्यापकों के संस्कार बोलेंगे, सुनेगा। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, भवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, प्यार करो धरती से और आजाद बनो अशफाक बनो। अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा, मैं इस कॉलेज के अध्यापकों को साहब इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि जो संस्कार आपको दिए हैं, है ना। चार पंक्तियों निवेदन करता हूँ, परिवार क्या होता है, चार पंक्तियों में आपका परिवार बताता हूँ, परिवार की कथा सुनिए, उसके आपके गीत सुनाऊंगा, सुनिए।
बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत आभार। मंच से भी दाद मिलगी, सिस्सी क्या बात हो सकती है। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता, बढ़िया बढ़िया है, अच्छा है। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। परिवार की परिभाषा बता रहा हूँ, शायद कोई बताए ना आपको। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में सर, ये विनोद पाल ने कह रहे तो आपको सुनाता हूँ। एक वो जो प्रेमिका के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक वो जो माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वाह वाह। एक वो जो प्रेमिका के लिए जान छिड़कते हैं, एक वो जो माँ के लिए जान छिड़कते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं उनमें से हूँ जो माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ उम्मीद के साथ कि आप भी मेरी तरह ही हो। सुनेगा, दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे। दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे। और चांद तोड़ लाऊं, क्या बात है, वाह। दूसरी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। चार पंक्ति उस गीत की भूमिका में, तीन मिनट में अपना स्थान लेता हूँ, हमें बहुत लोगों को सुनना है। सुनिए मफतलाल जी, स्वागत 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 स्वागत। मफतलाल जी भी कह रहे होंगे कैसे जमा लिया इसने, रोज का काम है। चार पंक्ति सुनिए, उसके बाद वो गीत सुनिए। सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया, कौन है हम लोग, कहां तक भूल रहे हैं अपने आप को, सुनेगा। सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया, सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया, सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया। अरे सागर, सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया। अरे पत्थर पे वानरों ने श्री राम लिख दिया, पत्थर पे वानरों ने, सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया, सागर में धर्म का पैगाम लिख दिया। अरे पत्थर पे वानरों ने श्री राम लिख दिया, पत्थर पे वानरों ने श्री राम लिख दिया। परिभाषा देवताओं ने जो पूछी प्रेम की, देख शेर सुन लो यार, परिभाषा देवताओं ने जो पूछी प्रेम की, परिभाषा देवताओं ने जो पूछी प्रेम की, परिभाषा देवताओं ने जो पूछी प्रेम की। कान्हा ने राधिका का तभी नाम लिख दिया, कान्हा ने बहुत आभार। हिंदुस्तान के सिर्फ माता पिता ही श्रेष्ठ नहीं है सर, हिंदुस्तान के बेटे भी बहुत श्रेष्ठ हैं। आपको एक शेर और सुनाता हूं, फिर आपको गीत सुनाता हूं, सुनेगा। कान्हा ने राधिका का तभी नाम लिख दिया, भारत में एक बेटा हुआ था श्रवण कुमार,
भारत में एक बेटा हुआ था श्रवण कुमार, भारत में एक बेटा हुआ था श्रवण कुमार, भारत में एक बेटा हुआ था श्रवण कुमार। माता पिता को जिसने चारों धाम लिख दिया, माता पिता को जिसने। एक गीत बहुत जल्दी मैं आपको सुना देता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। दो मिनट का गीत है। स्वागत बहुत स्वागत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। दो मिनट का गीत है, एक ठेठ हिंदुस्तानी आपको गीत मैं सुना देता हूँ, ठेठ हिंदुस्तानी गीत, क्योंकि ये गीत सुनाना आवश्यक इसलिए है क्योंकि मैं ये गीत एक मैसेज के रूप में आप तक पहुँचाना भी चाहता हूँ। साहब देखिए, हिंदुस्तान क्या है, ये हिंदुस्तान है क्या, इस गीत की बस इतनी सी भूमिका है, इतनी सी भूमिका है कि इसका जो नायक है, नायक है वो ठेठ हिंदुस्तानी है और ऊपर से भाजपाई है। वाह, ठेठ हिंदुस्तानी है और ऊपर से भाजपाई है। गीत की जो नायिका है वो पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित है, उसे बाहर विदेश में रहने का अवसर मिलता है, विदेश में बसने का अवसर मिलता है, तो वो नायिका नायक से कहती है कि तुम भी मेरे साथ विदेश चलो, तो वो ठेठ हिंदुस्तानी भाजपाई। क्या हिंदुस्तान की विशेषता बताता है, यहाँ से गीत आरंभ होता है। हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तान बनके, हिंदुस्तानी बनके सुनिएगा, मैं हिंदुस्तानी बनके आपको सुनाता हूँ। सुनिए, नायक कहता है, जब नायिका कहती कि विदेश चलो, तो नायक क्या कहता है सुनिएगा। नहीं 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 नहीं, मुझको नहीं जाना उस पार, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया है। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया है, वहाँ गोरों की होगी भरमार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया है। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। देखिए साहब, ये दो मिनट का मात्र गीत है, लेकिन एक बात मैं निवेदन कर दूं कि हम कवियों के पास भी वाद्य यंत्र नहीं होता, आपकी तालियां हमारे लिए वाद्य यंत्र का काम करती हैं, आपकी तालियों से इस बात का आंकलन नहीं होता कि हमारी कविता अच्छी की बुरी है। आप लोग जब तालियां बजाते हैं तो हम कवि लोग सांस ले लेते हैं, हमें भी सांस लेनी होती है साहब, है ना। तो इस पूरे गीत में वो कहाँ ताली बजाने, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ये कहूँ कि मुझको नहीं जाना जाना जाना, तब आप ताली बजा दीजिएगा, है बाकी पूरा गीत सुनिएगा, है ना। अब मैं जब कहूँ मुझको नहीं जाना जाना जाना, तब आप ताली बजा दीजिएगा, है ना। ऐसा ना हो कि मैं ये बोलूँ, ऐसा ना हो कि आप ताली ना बजाएं, मैं ये बोलूँ कि मुझको नहीं जाना 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 और मैं चला जाऊँ, है ना। तो आप समझिए कहाँ कहाँ बहुत जल्दी गीत भी समाप्त कर देंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। मुझको नहीं जाना 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 जाना। अब वैसे गीत प्रारंभ, गीत का बंद सुनेगा, वो हिंदुस्तानी लड़का भाजपा क्या बताता, वो कहती विदेश चलो। अब ऐसा गीत का बंद निवेदन करता, सुनेगा। अरे सांसे तिरंगा मेरी, देश अंगड़ाई है, क्या है हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी बन के सुनेगा। सांसे तिरंगा मेरी, देश अंगड़ाई है, तन मन भगवा अपना, दिल भाजपाई है, तन मन भगवा अपना, दिल भाजपाई है, वहाँ होगी ना मोदी सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। अगला बंद निवेदन करता हूँ साहब, अगला बंद निवेदन करता हूँ कि अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं ग्रीन कार्ड क्या होता है, कितने लोग जानते हैं, हाथ खड़ा करके बताइए, ग्रीन कार्ड कौन जानते हैं। बस एक ही लोग, एक ही आदमी पढ़ा लिखा है साहब। अच्छा दो लोग पढ़े। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि जब आप किसी विदेशी महिला से शादी कर लेते हैं, देखिए मैं आपका जनरल नॉलेज भी देके जा रहा हूँ, उसे कविता कहते हैं कि जब हम लोग किसी विदेशी महिला से शादी कर लेते हैं तो हमें उस देश में रहने का अधिकार मिल जाता है, उसे कहते हैं ग्रीन कार्ड। अच्छा उस ग्रीन कार्ड को बेचने के लिए अधिकतर विदेशी महिलाएं हिंदुस्तान में ही आती हैं, तो इससे ये बात सिद्ध होती है राजा साहब कि अगर पूरे ब्रह्मांड में पुरुषों की कहीं खूबसूरत प्रजाति पाई जाती है तो वो हिंदुस्तान में ही पाई जाती है।
लेकिन साहब कुछ होते हैं ठेठ आधार कार्ड वाले, जब वो विदेशी महिला उस ग्रीन कार्ड को बेचने के लिए किसी आधार कार्ड वाले के पास आती है, राजा साहब के पास आती है, तब राजा साहब का जवाब जवानी में क्या होता है सुनेगा, जवान तो अभी भी है, भूतपूर्व जवान है, अच्छा लगे तो ताले राजा साहब के सम्मान में बजाइएगा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना, बंद अच्छा लगे तब कहिएगा, ठीक है ना, अब सुनिएगा। अरे मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए, आजा 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 आजा, पहना दूं साड़ी गोटेदार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना जाना। साहब तीसरा बंद क्या होता है, तीसरी वजह साहब क्या होती है, हम बाहर जब जाते हैं विदेशों में, ये बंद में ये मफतलाल अग्रवाल साहब हैं, ये बंद इनको समर्पित करता हूं, है ना, जब हमारे पास पैसों की कमी होती है सर तो हम विदेश की तरफ भागते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इस हिंदुस्तान में है ना वो पूरी दुनिया में नहीं है, बंद निवेदन करता हूं सुनेगा। अरे जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, बनिए की कॉपी में दो चार खाते चलते हैं, बनिए की कॉपी में दो चार खाते चलते हैं, वहाँ देगा ना कोई भी उधार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना जाना। चौथी वजह साहब विदेश में जाने की ये होती है कि जब कुछ लोगों के पाप का घड़ा भर जाता है तो उस घड़े को फोड़ने के लिए विदेश जाते हैं, जैसे कि आदरणीय विजय माल्या साहब, पूरा का पूरा पंजाब नेशनल बैंक खाली कर दिया साहब, मेरा भी खाता उसी में था, वो तो भलाओ मोदी जी का, अगले बार निवेदन करता हूँ आपके तालियों के माध्यम से कि मोक्ष तो आपको हिंदुस्तान में मिलेगा, आप बंद निवेदन करता सुनेगा। अरे लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, श्री राम लगाए नैया पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना जाना जाना। गीता आखिरी बंद निवेदन करता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ, लेकिन जैसे आपने स्वागत किया वैसे ही विदा करना। एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ साहब, हम विदेश जाते तो सही हैं, अभी दो तीन महीने पहले ये रश्मि गुप्ता जी से गवाह हैं, मेरे चाचा जी, मेरे सगे चाचा जी वो वेंटिलेटर में थे, लेकिन उनका बेटा यानी कि मेरा सगा चचेरा भाई कनाडा में है, कनाडा में था, रो रो के मर गया, फूट फूट के मर गया साहब, लेकिन अपने हमारे चाचा जी को अग्नि देने नहीं आ पाया, क्या किस बात का विदेश साहब, किस बात का विदेश साहब, उसी दिन इस गीत का जन्म होता साहब, इस बंद का जन्म होता है, किस बात का विदेश के एक बेटा अपने बाप को अग्नि देने नहीं आ सकता। मैंने प्रार्थना की इस बंद में, ईश्वर से मैंने प्रार्थना की, आप मेरी पूरी शायरी में खामोश रहते मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये बंद में निवेदन करो जो मैं सबसे अच्छा लिखा, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है, अगर वही प्रार्थना आपकी प्रार्थना हो तभी तालियां बजाइएगा, वरना तालियां मत बजाइएगा। निवेदन करता हूँ आखिरी बंद सुनिएगा। अरे जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, मेरा 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 ध्वज हो तिरंगा हर बार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, मेरे युवा भाई दादा बहुत व्यस्त हैं आजकल, ये इनकी व्यस्तता बताना चाहता हूँ, केवल मोबाइल में व्यस्त हैं, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, नीली वाली तेरी और पीली वाली मेरी, बात खत्म।
इससे आपको बाहर आना पड़ेगा निश्चित रूप से। आज आप भले ही इस बात को स्वीकार न करें, लेकिन आने वाले समय में ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा। षड्यंत्री सम्मोहन से आजाद रहो तो अच्छा है। युवा अवस्था में संकल्पित होना एक परीक्षा है। फुवरता के दानव से केवल तुम ही लड़ सकते हो। सुंदरियों का मोह छोड़ गंतव्यों पर चढ़ सकते हो। तुम चाहो तो जीवन में आयाम नए गढ़ सकते हो। तुम चाहो शेखर सुभाष सुखदेव भगत पढ़ सकते हो। न जाने रूप को अपने वो कितनी बार बदलेगी, न जाने रूप को अपने वो कितनी बार बदलेगी, उसे जैसे उचित लगता उसी अनुसार बदलेगी। तुम उसके प्यार में घुट घुट के अपनी जान दे दोगे, कैलेंडर की तरह वो रोज अपने यार बदलेगी। तो इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। भारत के सोए हुए सिंह यदि जाग उठे, दादा पंक्तियां सुनना जी जी। भारत के सोए हुए सिंह यदि जाग उठे, उठ रही आंधियों का मुख मोड़ देंगे हम। भारत के सोए हुए सिंह यदि जाग उठे, उठ रही आंधियों का मुख मोड़ देंगे हम। उन्माद व्यर्थ की ना सेखियां बघारो तुम, उन्माद से भरे घटों को फोड़ देंगे हम। और जिस भुज दंड पे दिखाते अपना घमंड, वह भुज दंड क्षण में मरोड़ देंगे हम। और चाहे जिसकी सहायता से रच लेना व्यूह तुम, एक क्या अनेकों चक्कर व्यूह तोड़ देंगे हम। भाई वाह। हम करें निर्णय स्वयं आजाद हम कैसे हुए, हम करें निर्णय स्वयं आजाद हम कैसे हुए, हम करें निर्णय स्वयं बर्बाद हम कैसे हुए, हम करें निर्णय स्वयं यह देश क्यों बांटा गया, क्या बात, निर्णय करें क्यों वृक्ष की शाखाओं को छाटा गया, निर्णय करें पंडित निकाले क्यों गए कश्मीर से, निर्णय करें हम क्यों सदा लड़ते रहे तकदीर से, निर्णय करें हम क्यों सदा लड़ते रहे तकदीर से, निर्णय करें कश्मीर क्यों ना ले सके हम पाक से, निर्णय करें डरते रहे क्यों चाइना की धाक से, निर्णय करें हम एक चंदोबा क्यों नहीं तनवा सके, निर्णय करें क्यों राम का मंदिर नहीं बनवा सके। ये निर्णय करना पड़ेगा आप लोगों को। मैं अपने अंतिम चरण में हूँ दादा, विशेष जी आशीर्वाद चाहता हूँ मंच का। स्वागत स्वागत स्वागत। और एक दृष्टता करना चाहता हूँ अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से दादा। कवियों से मेरा निवेदन है अपना कर्तव्य निभाएं हम। एक दृष्टता करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। कवियों से मेरा निवेदन है अपना कर्तव्य निभाएं हम। भारत माता के बेटे जो सोए हैं उन्हें जगाएं हम। जिसको हम अपना समझे वो ललकार रहा है सीमा पर, वो दगाबाज धोखा देकर करवा रहा है सीमा पर। इतिहास गवाही है इसका, जब जब भी संकट आया है माँ सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया। दादा बुंदेलखंड में एक जगह है बिजावर, वाह वहां के कवि हुए हैं हरनाथ जी। वो जयपुर के राजा के यहाँ दरबारी कवि थे। तो वो एक बार तालाब किनारे बैठकर राजा साहब वहां के मछलियां पकड़ रहे थे, वहां से कवि महोदय का निकलना हुआ। तो राजा साहब ने हंसी ठिठोली करते हुए कवि महोदय से पूछ लिया, मैं मछलियां पकड़ रहा हूँ, इस विषय पर आपकी कविता क्या कहती है। मैं बताना चाहता हूँ कवियों में कितना सामर्थ्य है जी। स्वागत। तो उन्होंने कवि महोदय ने कहा, राजा साहब आप भले ही मछलियां पकड़ रहे हो, लेकिन मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से कबूतर फंसेगा। राजा साहब भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, कवि महोदय सोच लो, हो सकता है दंड के विधान में मैं तुम्हें फांसी की सजा भी सुना दूं। कवि महोदय ने कहा, हमने कह दिया सो कह दिया, अब क्या है, लेकिन एक सख्त शर्त मेरी भी आपको माननी पड़ेगी। राजा साहब ने पूछा, बताओ सर, कि जब वो कबूतर निकल करके आएगा तो वो कबूतर आप मुझे दे देंगे। तो यकीन मानना, जब राजा साहब ने उस तार को खींचा तो उस मुंह से फड़फड़ाता हुआ कबूतर ही बाहर निकला। तो उस शर्त के मुताबिक वो कवि महोदय उस कबूतर को अपने घर लेकर के आए, तो उसी में से माता सरस्वती प्रकट हुई और उन्होंने कहा, कवि महोदय सोच समझ कर बोला करिए, तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी बात रखने के चक्कर में मुझे कबूतर भी बनना पड़ता है। तो ये इन कवियों में ताकत है, इतना सामर्थ्य है इन लोगों में। व्यथा ना होए कवि की वाणी, मुख में बसत भवानी। इसीलिए निवेदन करना चाहता हूँ कवियों से, मेरा निवेदन है अपना कर्तव्य निभाएं हम।
भारत माता के बेटे जो सोए हैं उन्हें जगाए हम, जिसको हम अपना समझे वो ललकार रहा है सीमा पर, वो दगाबाज धोखा देकर करवार रहा है सीमा पर। इतिहास गवाही है इसका, जब जब भी संकट आया है माँ सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया है। हम उदासीन न होते तो अंग्रेज नहीं आ सकते थे, अपनी कमियां पढ़ने का काम कर रहा हूँ। हम उदासीन न होते तो अंग्रेज नहीं आ सकते थे, अपने इस देश की सत्ता उनके बाप नहीं पा सकते थे। उनके चरणों को चूमा था अपने घर के ही गद्दारों ने, सत्ता जिनके हाथों में थी मक्कारी की मक्कारों ने अंग्रेजी सेना में भेजा हमने अपनी औलादों को, हम रोक नहीं पाए फांसी देने वाले जल्लादों को। हम रोक नहीं पाए फांसी देने वाले जल्लादों को। यदि हमने साथ दिया होता, यदि हमने साथ दिया होता अपनी झांसी की रानी का, यदि हमने साथ दिया होता अपनी झांसी की रानी का, तो अंग्रेजों को असर दिखा देते भारत के पानी का। हम 47 के पहले ही भारत आजाद करा लेते, उन गोरों से अपने घर का पानी हम मुनि भरा लेते। उन गोरों से अपने घर का पानी हम मुनि भरा लेते, जिन भोग विलासों के कारण अपना भारत बदनाम हुआ, जिन भोग विलासों के कारण अपना यह देश गुलाम हुआ। जब किया आक्रमण बाबर ने, हम सब मस्ती में डूबे थे, पायल की थिरकन में बेसुध भारत के सारे सूबे थे। हम जिन्हें लगाया करते थे अपने नगरों की गश्ती में, वे गीत हमारे सुन करके डूबा करते थे मस्ती में। अरे वे क्या समझेंगे सच्चाई, जिनका दिमाग है फिरा हुआ, ना पाक पाक नेपाल चीन इन सब से भारत घिरा हुआ। अपना कर्तव्य निभाए हम, भय हमको नहीं जमाने का, भय हमको नहीं जमाने का, हम ऐसे गीत रचे हरदम करते जो काम जगाने का। तो मेरे को कुंवर बेचैन जी की चार पंक्तियों से मैं भाई साहब को बुलाता हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आदरणीय रसिक गुप्ता जी। विनोद जी, अक्सर कवि सम्मेलनों के तुरंत बाद जब कार्यक्रम खत्म होता है तो मेरे से कहते हैं कि रसिक जी, सेरोडोन की गोली है क्या? हाँ, मेरी गाड़ी में अक्सर रहती है, मैं इन्हें सेरोडोन की गोली निकाल के दे देता हूँ। एक दिन कवि सम्मेलन के पश्चात इन्होंने सेरोडोन की गोली नहीं मांगी, हाँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, मैंने कहा क्या बात विनोद जी, आज सेरोडोन की गोली नहीं चाहिए? हाँ। बोले आज जरूरत नहीं है, पत्नी मायके गई हुई है। इसलिए अगर पत्नी का मामले में ऐसे ही होते हैं भाई, अगर आपको अपने खानदान का इतिहास जानना हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पत्नी के मायके की बुराई शुरू कर दो, 10 मिनट में आपके खानदान का गौरवशाली इतिहास आपके सामने होगा। वाह, तालियां एक बार मिलके बजा दो जरा, अनुभव बोल रहा है भाई साहब। तो मुझसे पूछ रहे थे विनोद भाई के, रसिक जी पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं? मैंने कहा विनोद भाई संस्कृत तो छोड़ो, हाँ। पत्नी को किसी भी भाषा में कुछ नहीं कह सकते, जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है, इसलिए इसके चक्कर को छोड़ो। हाँ। तो बहुत देर आप हो गई मन से आप सुन रहे हैं, मैं तो अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ, कई देशों में जा चुका हूँ। तो मैं जब पिछली बार इंग्लैंड गया तो एक कवित्री मेरे साथ थी, तो मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया, देखा एक बहुत खूबसूरत पार्क और उसके गेट पर खड़ी अंग्रेजन छोटे छोटे कपड़ों में। मैंने पूछा जी आप क्या करते हो? बोली मैं गाइड हूँ, ये सारा घुमाऊंगी अच्छे से दिखाऊंगी। मैंने पूछा पैसे? तो कहती 200 पाउंड। अब भारत का आदमी सबसे पहले पाउंड को रुपये में कन्वर्ट करेगा। मैंने भी वही किया, मैंने कहा 100 रुपये का पाउंड है, 200 को गुणा कर ली 100 से, 20,000। मैंने कहा 20,000 रुपये पावड़ी हो रही है मखा, तेरे को पता नहीं है मफतलाल जी के प्रोग्राम करते हैं, इतने पैसे कहाँ से आए? वाह वाह, तो मैंने कहा 500 रुपये लेने हैं तो बात कर। हाँ, अगली ने मना कर दिया, मैं खुद ही देख दाग के आ गया घूम-घाम के। लेकिन बहुत गजब का पार्क था, मैंने पूरे वर्ल्ड में ऐसा पार्क नहीं देखा, हर तरह का फूल फाउंटेन सब। तो जब मैं वापिस आके उसकी तारीफ की तो कवित्री मेरे सिर पे चढ़ गई, बोली मुझे नहीं लेके गए? हाँ, कल सुबह मुझे भी लेके जाना। हाँ, मैं अगली सुबह जब उस कवित्री को लेके उस पार्क के गेट पे पहुंचा जी, तो पहले दिन वाली अंग्रेजन आ गई, पहले तो कवित्री को देखा और फिर मेरे कंधे पे हाथ मार के बोली 500 में तो ऐसी मिलेगी। बहुत बढ़िया। तो ऐसी ऐसी स्थिति भी हो जाती है भाई साहब, पर उसे दीपाली जी के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए था।
तो लीजिए मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, एक कवि अपने जीवन में क्या चाहता है डॉक्टर साहब। जी 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 स्वागत प्रोफेसर साहब आपको। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार। आहा वाह। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया और कवि रूप में पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की। उनके मन के भी कहीं ना कहीं यही भाव रहे होंगे जो हम सब कवियों के हैं कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही। वाह। सार्थक हो जिंदगी बेशक जिए दिन चार ही। वाह। और मोक्ष हम पाए ना पाए चाहते केवल यही, जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार ही। वाह वाह। जन्म भारत में हम कवि बने हर बार। भाई वाह भाई साहब वाह वाह वाह। हमारे देश में अरबी खाई जाती है, हाँ बोली नहीं जाती। हमारे देश में चीनी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में अंग्रेजी पी जाती है। भाई बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। नहीं उसके बाद तो फिर वही निकलती है। लेकिन अगर किसी को किसी की कोई बात किसी भी भाषा में समझ में ना आए, हाँ। तो एक बार पूछ के देख लो, हिंदी में समझाऊं क्या? कह रहा नहीं भाई साहब समझ गया। हमारी इतनी शक्तिशाली भाषा हिंदी को छोड़ के हम अंग्रेजी के चक्कर में पड़े रहते। मुझे तो याद आ गया, दो अंग्रेज भारत आ गए, एक बोला मेरे बाथरूम में 5 लाख रुपए लगे हैं, दूसरा अंग्रेज बोला मेरे बाथरूम में 10 लाख रुपए लगे हैं। जी वहीं अपना एक ताऊ खड़ा था, वो बोला जी मैं सवेरे लोटा लेके जिस खेत में जाता हूँ ना उसकी कीमत 7 करोड़ है और ऐसे बाथरूम हम रोज बदलते हैं। भाई कमाल। तो हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। और आपको लगे मैंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ से एक पंक्ति में उसे जो जवाब दिया वो जवाब आपके मन का जवाब था, तब पूरा सदन एक बार हाथों को खोल दीजिएगा कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। तो मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते मेरे भाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई। वाह 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 वाह। और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं लेकिन माँ बाप को घर में रखते हैं, और तुम लोग कूड़े को घर में रखते हो और माँ बाप को सड़कों पर फेंक देते हो, ये तुम्हारी संस्कृति में और हमारी संस्कृति में अंतर है। वाह वाह। और जब से स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना हुई है बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं तो अभी आ रहा था, रस्ते में एक जगह कूड़ा पड़ा देखा, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया, दो आदमी खड़े थे ताली बजाने लगे, दिल को बड़ा अच्छा लगा, बाद में पता चला वो तो साढ़े तंबाकू कूट रहे थे। तंबाकू नहीं कूटना, तालियां बजानी, मिलके तालियां बजाओ। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत भाई साहब। राजा साहब आपके चरणों में रखता हूँ चार पंक्तियां। के बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती। आहा। बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती, अगर हो नींव ताकतवर इमारत हिल नहीं सकती। और जमाने का बड़ा दस्तूर बस ये याद रख लेना, बुजुर्गों की दुआ के बिन सफलता मिल नहीं सकती। बुजुर्गों की दुआ के बिन। शानदार भाई साहब शानदार शानदार। लेकिन स्थितियां आज कैसी हो गई है, मैंने आपको बताया जैसे कुत्ता संस्कृति हमारे घरों में फैलती जा रही है, महानगरों में इसका प्रभाव कुछ ज्यादा है। कि मित्रों ने अपने दोस्त को मजाक में कुत्ता क्या कहा, मित्रों ने अपने दोस्त को मजाक में कुत्ता क्या कहा, यह शब्द उसे इतना भाया कि बाजार गया और अपने लिए अच्छी नस्ल के दो ऊंचे ऊंचे कुत्ते ले आया। अच्छा। अब कुत्ते मालिक का दिया हुआ खाना खाते थे और अगर उसकी माँ भी उसकी गलती पर डांट दे तो उस पर भी गुर्राते थे। वाह। एक दिन माँ ने कहा बेटा मैं तो परेशान हो गई इन कुत्तों से और आज तो मैंने इनकी वजह से खाना तक नहीं खाया। बेटे ने माँ की परेशानी को समझा और उसी दिन उसे वृद्धाश्रम में छोड़ाया अब कुत्ते घर में और माँ वृद्धाश्रम में। अब माँ वृद्धाश्रम में और कुत्ते घर में रहते हैं, आधुनिक भाषा में इसे ही कुत्तापंथी कहते हैं, आधुनिक भाषा में इसे ही कुत्ता संस्कृति कहते हैं। तब कहीं मैंने चार पंक्तियां लिखी प्रोफेसर साहब, क्या जिसने गढ़ा वजूद तुम्हारा भाव उन्हीं के पढ़े नहीं। जिसने गढ़ा वजूद तुम्हारा भाव उन्हीं के पढ़े नहीं, मात पिता भेजे वृद्धाश्रम
किंतु शर्म से गड़े नहीं। अरे ईश्वर में तो रखी आस्था, लेकिन वो ये भूल गए कि सृष्टि के निर्माता भी तो मात पिता से बड़े नहीं। सृष्टि के निर्माता भी तो मात पिता से बड़े नहीं, सृष्टि के निर्माता भी तो।